जिग जैग और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड लिमिटेड की तरफ से हलारपुर खोपली के याक पब्लिक स्कूल में पहली बार स्केटिंग स्पोर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई, गुजरात और कई शहरों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसके आयोजन मंच और भावनी तरेले मेरा नाम मनप्रीत सिंह मरास है। मैं काफ़ी साल से 30-32 साल से मैं स्केटिंग कर रहा हूँ और ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैंने और रेले सर ने, ध्वनित रेले सर ने। और ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि रेसेस बहुत सारी होती हैं, चैम्पियनशिप बहुत सारी होती हैं, बट फन स्केटिंग कहीं नहीं होती है, जो एक रिकॉर्ड टाइप। तो हमने रिकॉर्ड करने का सोचा जिगजैग, कि इसमें नया रिकॉर्ड नॉन स्टॉप रिले जो बोलते हैं, ये रिले के तरह होगा। जैसे एक रेस में रिले दिया जाता है, बैनेटन दिया जाता है, पास ऑन किया जाता है, तो वैसे इसमें ही बच्चों की टीम्स होगी और वो बच्चे रिले टाइप करके 24 आवर्स नॉन स्टॉप स्केटिंग करेंगे। आप आइए, मैराथन। सर बताइए कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी टीम? ये यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 150 स्टूडेंट्स इधर आए हैं, मोर देन 20 कोचेस टीम अपनी लेके आए हैं, अलग 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 स्टेट से, गुजरात से आया है कोई, कोई रायगढ़ से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई मुंबई से आया है, अलग अलग टीम से आए। मोर देन 150 स्टूडेंट आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये 24 घंटे का झिकझैक मैराथन रिले करके ये नाम है ये रिकॉर्ड का। एक्चुअली ये रिकॉर्ड होने के बाद में ऐसा रिकॉर्ड पहले कभी हुआ नहीं था, इसीलिए ये हमारा उद्देश्य है कि पूरे इंडिया में जिगजैग मैराथन रिले ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बच्चे लोगों को कुछ यूनिक और अलग तरीके से रिकॉर्ड करने को मिलेगा, यही हमारा उद्देश्य है और उनको बहुत मज़ा आएगा करने को, इसलिए हम लोगों ने ऐसा जिगजैग मैराथन रिले करके हम लोगों ने सोच के क्रिएट किया है ये रिकॉर्ड। तो क्या पेरेंट्स तो बहुत खुश है और बच्चे लोग अभी तो वेट कर रहे कब चालू हो रहा है रिकॉर्ड और उनको कब स्केट करने मिलेगा जिगजैग। तो आप भी अभी थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा सबको कि बच्चे कितना एंजॉय के साथ, कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये रिकॉर्ड शुरू करने वाले हैं और 24 आवर्स के बाद उनका रिकॉर्ड बन जाएगा, तो उनको उनमें जो खुशी और पेरेंट्स लोगों में खुशी होगी वो मीन्स बहुत अलग तरीके से खुशी देखने मिलेगी सबको। ऐसे पहले बार देखा तो पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आपने नाम लिखवाया बच्चों का? हाँ जी, लिम्का और मेरा लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, गिनीज बुक रिकॉर्ड। सारे अच्छे अच्छे काम पहले भी कर चुके हो आप, ये बहुत बड़ा काम लेके चल रहे हो, उसके बारे में कुछ और बच्चों को कोई सहानुभूति, जैसे कि लेके चल रहे हो बच्चों को और इतने ऊंचे लेवल पे आपने पहुंचाए हैं जो बच्चे। ये इवेंट के बाद हम दोनों का ये प्लान रहेगा कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ये स्कूल के और ऑल ओवर मुंबई के जितने भी कोचेस हैं उनके साथ में उनके बच्चे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे लोगों को हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके जाने की हमारी तैयारी चल रही है। यही मैं मैसेज पास करना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग नेक्स्ट इवेंट जो जाएंगे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाएंगे। याक इंस्टीट्यूट का बहुत बढ़िया काम चल रहा है ये इलाके में और यहाँ के बच्चे लोग खुश हैं, यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो गई है नजदीक एरिया में, यहाँ पर आसपास में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और ये अच्छा मौका मिल रहा है बच्चों को। ऐसा पहली बार ही हो रहा है ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे? यस, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं? नहीं हुआ। सर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों लोगों ने इंटरेस्ट लेके इसमें आगे बढ़ना चाहिए और ये स्केटिंग के अंदर लोगों में और भी गुस्सा पैदा होगा। इस 66 इतना कहीं नहीं मिले, तो अभी 66 मेडल से कितना फ़ायदा हुआ है, और ये जो चीज़ है हमने जो बनाया है याक पब्लिक स्कूल के अंडर बनाया है और इसमें एक बड़ा इनक्रेजमेंट मिलेगा सबको। इतना ही नहीं है, हमने और भी कई चीज़ें, दूसरा स्पोर्ट्स अकेडमी बना रहे हैं, यहाँ स्केटिंग का हॉकी किया है और रोड का स्केटिंग है, इसके साथ साथ हमारा स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग भी है। यहाँ जो भी आएंगे उनको सब टाइप के गेम करेंगे, हमारे स्कूल के बच्चे भी नेशनल लेवल तक गए हैं, तो वी वांट टू इनकरेज स्पोर्ट्स फीलिंग, और स्पोर्ट्स में ये है कि कोई दुर्भावना नहीं होती, सब अच्छे ढंग से कंपटीशन करके रखते हैं, यही एक हमारा रीज़न है। सर क्या
बच्चों का स्केटिंग में क्या भविष्य है, जैसा क्रिकेट में है भविष्य खिलाड़ियों का, वैसा स्केटिंग में क्या भविष्य है? बच्चों का स्केटिंग में बहुत अच्छा भविष्य है। आजकल आप किसी को भी देख लो, सब स्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट था, एक फैड था, उसके बाद ये अभी बैडमिंटन हो गया, कुश्ती हो गई, रेसलिंग हो गई, कबड्डी हो गई, अभी ये सब स्केटिंग का यहाँ फैसिलिटी। अभी आप एक देख रहे हैं यहाँ नज़दीक, अभी आप देखेंगे हर जगह बड़ी बड़ी फैसिलिटी आने वाली है स्केटिंग के लिए। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका नाम? जो कॉम्पिटिशन होने जा रहा है क्या? एक मिनट सर, सर सबसे पहले हम आपका नाम से शुरुआत ही करेंगे, फिर आगे। सर मैं खुद से शुरुआत करता हूँ, आपके सारे क्वेश्चन मेरे इसके अंदर, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे। हाँ सर, अभी पूछो क्या कहेंगे, कितना यूनिक है जो आज यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू होने जा रहा है? सर ये एक कॉम्पिटिशन ऐसा है जो बच्चों को हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि स्केटिंग होता क्या है, और एक डायरेक्ट कंपटीशन होता है तो उसमें सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिन लोगों को स्केटिंग के बारे में मालूम है। ये ऐसा यूनिक कंपटीशन है जिसमें बच्चों को कम भी स्केटिंग आती है तो भी वो पार्टिसिपेट करके एटलीस्ट वो समझे कि स्केटिंग किस तरीके में होती है, ताकि वो धीरे धीरे मोटिवेट होकर और प्रिपेयर करे, ताकि और अच्छा कर सके स्केटिंग में। क्या देखते हैं आप? सर इंडिया में स्केटिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और पिछले कुछ साल में बहुत धीरे धीरे ये चीज़ आ रही थी, लेकिन अभी नेक्स्ट 2-3 साल में मेरे को लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छा अनुभव है, और जिस तरह आज हमारे भारत के इतने सारे बच्चे इतने सारे मेडल्स लेके वापस आ रहे हैं, मैं कहूँगी मंजीत सर ने और उनके इंस्टीट्यूशन ने ये बहुत बड़ा अच्छा आयोजन किया है, जो 24 आवर्स स्केटिंग होगा यहाँ पे, जो भारत में पहली बार हो रहा है, और सारे बच्चे बड़े इंटरेस्ट से, बच्चे बड़े सब लोग यहाँ से देश भर से काफ़ी इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करने आए हैं। जीतेगा कौन वैसा तो नहीं है, लेकिन ये जो पूरा माहौल बना हुआ है वही इतना अद्भुत है, इसी का आनंद लेने हम सब यहाँ आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे ने स्केटिंग में हिस्सा लिया। इट्स गोना बी 24 आवर्स स्केटिंग, इट्स अ यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड इट्स गोना बी, एंड ही इज़ लर्निंग स्केटिंग सिंस 1 ईयर, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। होपफुली आई जस्ट प्रे गॉड दैट ही डज वेल। इस बात के लिए तो बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत सालों से, इनफैक्ट बहुत टाइम से। इसने भी काफ़ी मेहनत की है, मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, बेसिकली इसको काफ़ी इंटरेस्ट है, इसकी वजह से ये चीज़ के लिए हम इस पे पहुँचे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया है। पहले उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अब वो लोग यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने आए हैं, तो हमको हमारे बच्चों पर बहुत प्राउड है। यहाँ आके हमें ऐसा लग रहा है कि इतने सालों की मेहनत हमारी मतलब सफल हुई है, और हमें कुछ उसका अचीवमेंट मिल रहा है। एक्चुअली आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड, एंड वेन आई हैड मेड अ रिकॉर्ड बिफोर, इट वॉज नॉट सो एक्साइटिंग विच आई एम फीलिंग हियर नाउ, एंड इट इज़ अ वेरी गुड रिंक टू डू क्रिएट अ रिकॉर्ड इन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू डू दिस रिकॉर्ड। थैंक यू। I am feeling. क्या कहेंगे, एक आप एक गर्ल हैं, आप भी पार्टिसिपेट करें, कितना प्राउड फील होगा एक रिकॉर्ड बनाएंगे आप? Like I am feeling very proud and being a girl also, like that's my first record of the Guinness World Record. लाइक क्लासेस में हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी कि यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाएंगे, तो लाइक स्केटिंग बस।